about the RAPT technique. RAPT technique. Rapid amplifier. What is the full form? Rapid amplifier polymorphic DNA. ठीक है ना, दिस इज रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए. सो रैपिड टेक्निक इसको बोलते हैं, आरएपीडी. रैपिड, रैपिड का मतलब ही होता है फास्ट. तो यू कैन टेक दैट एनालॉजी आल्सो. सो व्हाई दिस इज फास्ट? बिकॉज दे आर पीसीआर बेस्ड रिएक्शन इज देयर, है ना. सेगमेंट एम्पलीफाइड आर रैंडम. सो बेस्ट पार्ट इज नो नॉलेज ऑफ डीएनए सिक्वेंस इज रिक्वायर्ड. And primaries must, you know, for every PCR to amplify a segment, primary is a must. ठीक है ना. तो primer कब amplify करेगा, कब नहीं amplify करेगा, इसी पे ये technique depend है. Right? So I will tell you कि कब ये primer किसी segment को amplify करेगा, rule क्या है. वो rule जानना है. तो rule जान जाओगे तो then you can analyze. क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि जो band amplify होगा, है ना, जो पोर्शन एम्पलीफाई होगा डीएनए का, वही आप एनालाइज कर पाओगे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में. राइट. सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ पीसीआर एंड रैपिड? वेरी माइनर डिफरेंस, है ना. यहाँ पे देखो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, यहाँ भी चाहिए. बफर का कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है. बफर कंटेनिंग मैग्नीशियम जुड़े हाई मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन इज यूज लोअरिंग एनिलिंग स्टिजेंसी. तो स्टिजेंसी मतलब अटैचमेंट. क्या अटैचमेंट है? DNA to DNA का primer that flank the fragment of DNA to be amplified, right? तो यहाँ short primer चाहिए, short primer जिस sequence को amplify करना है. और not known to anneal to any specific part of the template. एक rule होता है कि अगर primer general primer डालते हैं, यहाँ पे specific primer है PCR में, यहाँ पे general primer है ना, general primer है, तो they are going to amplify only specific part. Tag DNA polymerase, another thermally stable यहाँ पे use करते हैं, यहाँ पे DNT भी और tag polymerase यहाँ भी use करते हैं. तो maximum similarity है primer को छोड़ के. So एक तरह से कह लो कि this is the modified PCR technique. तो where we are going to modify it, तो ये जान लो. ये पूछ सकता है कि कहाँ पे difference ज्यादातर पूछ सकते हैं ना. What is the difference between PCR and rapid? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइकिल इज द सेम, टेक्निक इज द सेम, है ना. तो एनिलिंग टेम्परेचर यहाँ पे लो रखी जाती है, राइट, अराउंड 36 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस अलाउ वेरी शॉर्ट प्राइमर टू एनिल टू टेम्पलेट डीएनए, राइट. मोर थर्मल साइकिल इज यूज टिपिकली 45. दिस कंपनसेट फॉर द इन एब्सेंसी विच रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग सच शॉर्ट प्राइमर. ठीक है ना. साइकिल आर मोर, वहां पे 25 साइकिल चलती है पीसीआर में, यहाँ पे कितनी चलती है? अराउंड 45, अराउंड 45. ठीक है ना. सो दिस इज द डिफरेंस, 36 एनिलिंग और साइकिल इज मोर. तो साइकिल मोर होने से क्या होगा कि मोर विल गेट मोर एम्पलीफाइड पार्ट, है ना. तो कैसे काम करता है? काम करता है, आपको फोकस करना है प्राइमर पे. दिस इज शॉर्ट ओलिगो प्राइमर, राइट, विच बाइंड्स टू मेनी डिफरेंट लोसी. This is used to amplify random sequence from complex DNA template. This means that amplified fragment generated by PCR depend on length and size of both the primer and target genome. तो जो भी amplified fragment generate हो रहा है वो किस पे depend करता है? किस तरह का primer आप use कर रहे हो और क्या target है genome का, right? So plant के में ज्यादा use कर रहे हैं, microbial taxa को classify करने में ज्यादा use कर रहा है. तो these techniques are inherent in that. Okay, इसमें ज्यादा important होगा. चलो. So, amplified product 3 kb are usually separated on agrozoon and visualized by ethidium bromide in staining. So, nucleotide variation depends करता है, because all technique RAPD, RFLP इस पे depend करते हैं न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन पे. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीमॉर्फिक, राइट, पॉलीमॉर्फिक. तो न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन डिपेंड ऑन सेट ऑफ टेम्पलेट्स डीएनए विल रिजल्ट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइमिंग साइट. ये मैं कह रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
यही काउंटिंग करते हैं, स्कोरिंग इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्कोरिंग। अगर एब्सेंस ऑफ बैंड है 0 स्कोर, प्रेजेंस ऑफ बैंड है तो 1 स्कोर, राइट। सो बिकॉज अगर कोई न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन आता है किसी भी वजह से, सपोज यू आर क्लासिफाइंग ए बैक्टीरिया, है ना, डिफरेंट टाइप्स का ले लिया 5-6 बैक्टीरिया आपने, एंड देन सिक्वेंसिंग तो जरूरत नहीं है, बट आप क्या देख रहे हो, जीनोमिक, टारगेटेड जीनोमिक न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन क्या है। तो टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड तो सेम होगा सब में, है ना, बट न्यूक्लियोटाइड वेरिएशन में अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टेम्पलेट। तो डिफरेंट सेट ऑफ टेम्पलेट होगा तो अगर बहुत दूरी होती है देन स्कोर विल बी 0, यानी एब्सेंस ऑफ बैंड। या सेम डायरेक्शन में है, प्राइमर अटैच हो रहा है, तब भी ये स्कोर 0 आएगा। तो मैं बताऊंगा डिफरेंट कंडीशन दिखा के आपको कि हाउ टू स्कोर, बेसिक पार्ट यही है आपको, जिससे सैर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्कार, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस कैरेक्टराइज एम्पलीफाइड रीजन, सीक्वेंस कैरेक्टराइज एम्पलीफाइड रीजन, राइट। So these sequence are cause of RAPD polymorphism. So ये polymorphism क्यों आ रही है, why, this is because of either insertion or deletion, this may be the reason I am explaining why there is a difference in nucleotide variations, this may be because of insertion or deletion. So you have to do the PCR ultimately to get the band, okay. The primer must anneal in a particular orientation, ये important है, primer का orientation very very important। अगर जैसे same orientation है जो primer attach कर रहा है और दूसरे में opposite orientation है तो इसको amplify नहीं करेगा, ये 0 score होगा, okay। And if there is a length छोटा सा है and in opposite direction, the score will be 1, okay. So they must anneal within reasonable distance of one another. आ रहा हूँ इसी पे मैं कह रहा हूँ कि इसमें ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पीसीआर आप करोगे देन पीसीआर इज रिक्वायर्ड प्राइमर, ओके। तो प्राइमर की एनिलिंग कहाँ पे हो रही है वो तो प्राइमर ही डिसाइड करेगा ना, डिपेंड ऑन की मैचिंग सीक्वेंसेस क्या है, ओके। तो ये रूल ऑफ थंब है जो मैं बताने जा रहा हूं कि कहां वो एनिल करेंगे तो स्कोर काउंट होगा या एम्पलीफाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अब प्राइमर इज बाइंडिंग, बाइंड टू मेनी लोकेशन ऑन द टेम्पलेट डीएनए, सो ओनली व्हेन प्राइमर बाइंडिंग साइट्स आर क्लोज एंड ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द रूल, रूल नोट कर लो, व्हेन प्राइमर बाइंडिंग साइट आर क्लोज एंड ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो द प्राइमर पॉइंट टुवर्ड each other, ठीक है ना, primer point toward each other, so primer binding site are close and oriented in opposite direction, so the primer point toward each other will amplification take place, right? So this is the rule of thumb, okay, primer binding sites are close and oriented in opposite direction, so the primer point toward each other will amplification take place, otherwise amplification will not take place, I will tell you the condition, समझ आ रही थोड़ा थोड़ा, लिख लो लिख लो। बाइंडिंग साइड्स आर क्लोज एंड ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएपीडी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन दे आर गोइंग टू एंड, बट ये सर्कल देखो आप, है ना, इफ दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर सो एम्प्लीफिकेशन विल नॉट अकर, ठीक है ना। तो ये रूल है, रूल आपको याद करना है, इसके लिए रूल बनाया गया है, तो रूल आपको याद करने से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। प्राइमर बाइंडिंग साइट आर क्लोज, साइट्स एकदम क्लोज हैं, ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो प्राइमर पॉइंट टुवर्ड ईच अदर, ठीक है, देन विल एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस, अदरवाइज सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे जैसे ये है, ये देखो सेम डायरेक्शन है, यहां नहीं होगा, यहां पे काफी डिस्टेंस है, नहीं होगा, यहां पे होगा, ठीक है ना। इसी चीज को तीन स्लाइड में समझाया है, देखो ना?
तब भी नहीं होगा, नहीं तब भी, हाँ स्पेस नहीं है ना बिल्कुल, तब भी नहीं होगा। हाँ, अब ये सेम डायरेक्शन में है तब भी नहीं होगा। अभी तो अफरीन की आवाज आई है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं 2 दिन से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। ओह अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब आप ये समझो, आप लोग काफी मैच्योर हो, जो लेक्चर एनालिसिस है हमारे क्लास में अब ज्यादा से ज्यादा हो रही है ना। अब ये नहीं है कि हम आपको बैठ के डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, है ना, बोर कर रहे हैं बैठ के आपको। तो ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी, व्हेन यू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हमने सिखा दिया, बेस तो हमने अब दे दिया, ट्रेन के लिए पटरी बिछा दी। अब ट्रेन अगर दौड़ेगी नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि पटरी सही है कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो काफी गैप है, प्राइमर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, तब भी नहीं होगा जैसे यहां पे दिख रहा था, यहां पे काफी दूर है तब भी नहीं होगा, है ना। प्राइमर टू फार अपार्ट, सो एम्प्लीफिकेशन विल नॉट आकर। अभी 2000 बेसिस का है, मोर देन 2000 बेसिस। सो रूल ऑफ थंब याद करो, ये एक ही डायग्राम है, नाउ यू कैन सी यहां पे होगा कि नहीं, चलो बताओ। पहले वाले में, पहले वाले में होगा, होगा ना, पहले वाले में तो होगा ना, दोनों सही है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी कम है। यहां भी होगा, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। उसके वाले में डायग्राम में देखो, यहां पे सेम डायरेक्शन था इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो नहीं था। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर है ना। प्राइमर आर जस्ट द राइट डिस्टेंस अपार्ट, सो फ्रैगमेंट इज एम्प्लीफाइड। 100 से 1500 के बीच में याद कर लो, अगर होगा तो एम्प्लीफिकेशन विल ऑकर, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो हाउ टू इंटरप्रेट द आरएपीटी बैंडिंग पैटर्न, सो कैसे इंटरप्रेट करेंगे। सो प्रेजेंस ऑफ बैंड इज कोर वन, है ना, बैंड प्रेजेंस। बैंड एब्सेंट, स्कोर 0, ठीक है। सो स्कोरिंग इज डन बेस्ड ऑन द बैंडिंग प्रोफाइल। गुड़िया दिख रही है, छोटी सी बैंड दिख रही है जेल की। सही है, बैकग्राउंड देख रहा हूं, कंप्यूटर की बैकग्राउंड आ गई है। ठीक है, नोट कर लिए बेटे, ये नोट करते रहो ना, स्कोरिंग 1, स्कोरिंग 0, क्योंकि वो कभी कभी दे सकते हैं ना कि कितना स्कोर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो समझ ही नहीं आएगी जिसने पढ़ाई नहीं की है या एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। मे प्रोसीड, ये कह रहा हूं कि जैसे ये हमने बताया ना थंब ऑफ रूल कि व्हेन द फ्रैगमेंट विल बी एम्प्लीफाइड, तो इसी के बेस पे ये आपका जेल आ गया, ठीक है ना। अब ये जेल में देखो, दो का ए और बी का देखो आप, जेल कंपेयर करो, ठीक है। तो जब आप कंपेयर, ये तो कंप्यूटराइज कंपेयर होता है ना, तो कहीं ए में तो देखो फुल बैंड दिख रहे हैं सारे के सारे, बी में कहीं पे बैंड है कहीं पे नहीं है, है ना। तो
क्यों है ये? तो ये कह रहे हैं कि जहां पे बैंड नहीं है उसको स्कोर करेंगे जीरो, और जहां पे बैंड है उसको कहेंगे वन। ठीक है, स्कोरिंग करते हैं देन फिर कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कैलकुलेशन वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं सॉफ्टवेयर बेस, वो आपको मैनुअली नहीं सीखना है। ठीक है ना, इसमें क्यूटीएल एनालिसिस भी आती है, जैसे अगर आप देखो तो ट्रेड्स नहीं होते हैं, ट्रेड्स काउंट करते हैं, जैसे मान लो व्हीट की कौन सी वैरायटी बेस्ट है, तो आप जाते हो क्यूटीएल एनालिसिस में रैपिड के थ्रू, है ना, तो क्वांटिटेटिव ट्रेड लोसी कहते हैं, तो ये जो फ्रेगमेंट है बैंड बन रहा है इसी को लोसी भी कहते हैं, समझ रहे हो, ये जो है एक लोसी के बराबर है, एक बैंड लिख लो, वन बैंड इज इक्वल टू वन लोसी, कहां पे क्यूटीएल में, जब क्यूटीएल एनालिसिस करते हैं तो एक बैंड एक लोसी के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ट्रेड्स काउंट होते हैं स्कोर के बेस पे, है ना, तो जिसका बेस्ट स्कोर आता है उसको प्रेफर किया जाता है, बेस्ट स्कोर उसको प्रेफर करेंगे कि भाई अब कुछ दिन देखो शादी भी होने लगेगी ना मेल फीमेल की ह्यूमन में, तो उसमें भी स्कोरिंग होगी, जीएनए का जेल रन कराया जाएगा, है ना, कितने स्वस्थ जीन है और कितने हार्मफुल जीन है, अभी जैसे कुंडली मिलाते हैं ना शादी में हम लोगों में, तो कुंडली नहीं मिलाएंगे, अभी जैसे कोई साइंटिस्ट, अब जैसे मान लो किसी का दिमाग काम कर गया, मेरे दिमाग का तो आइडिया ही है ना, कि उसने एक लेबोरेटरी जैसे खोल दी, ठीक है, लेबोरेटरी खोल दी भाई, अब आ गए मान लो, अब ऐसे 10 CV आ जाते हैं, पेरेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा बेस्ट है भाई पता नहीं चला, अब मान लो शादी अच्छी और बुरी में क्या डिफरेंस है ना, बुरी शादी वो हो गई कि जैसे सारे जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे अफेक्टेड हैं, डिजीज हैं, है ना, सबकी दवाई चल रही है कि नहीं, बहुत ही चीप रेट में, सस्ते रेट में, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग स्कोरिंग बैंड, यही क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, राइट, फॉर सेलेक्टिंग स्कोरिंग बैंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, नीड टू रिपीट एक्सपेरिमेंट, थिकनेस, थिकनेस ऑफ द बैंड, है ना, एंड साइज, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स अगर इफ यू आर डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट 3 times, सो एवरी टाइम द बैंड शुड अपीयर, ओके, इफ यू आर रिपीटिंग सेम एक्सपेरिमेंट 3 times, एवरी टाइम द बैंड शुड अपीयर, द बैंड शुड बी थिक, बैंड साइज शुड बी यू नो गुड, एंड देन यू कैन सी कि यू कैन एक्सपेक्ट एस एग्रीगेशन पैटर्न in the mapping population, right, and if you are doing this one, DNA polymorphism among individual can be due to mismatch at the primer site, aapko suggest karunga Arun Tripathi se uske bare mein baat karo, job ke bare mein zyada, aur unko bolo ki sir ye job join kara dijiye, then we will see ki laboratory bhi research bhi karenge sath mein, to mismatch at primer point, appearance of new primer site, length of the amplified region between primer site. ये सॉफ्टवेयर है, ये याद कर लो, ये पूछ सकता है कभी भी, LTSIS, ठीक है, LTSIS 2.02, this is used for estimation of genetic similarity or Jaccard coefficient. क्या बोला मैंने, genetic similarity and Jaccard coefficient, coefficient, Jaccard coefficient, ठीक है, DNA polymorphism individual can be due to mismatch at primer site, appearance of new primer site and length of amplified region between primer site. है ना, ठीक है, तो DNA polymorphism अगर किसी इंडिविजुअल में या किसी क्रॉप में या किसी बैक्टीरिया में हो रही है तो बिकॉज ऑफ मिसमैच एट प्राइमर साइट, बिकॉज बैंडिंग पैटर्न इज डिफरेंट, अपीयरेंस ऑफ न्यू प्राइमर साइट, वही बैंडिंग पैटर्न इसीलिए डिफरेंस आ रही है क्योंकि वेरिएशन है ना, एंड लेंथ इज ऑल्सो डिफरेंट, तो ऑल दिस कैलकुलेशन इज डन विद द सॉफ्टवेयर LTSIS PC सॉफ्टवेयर 2.02, दैट कैन कैलकुलेट द जेनेटिक सिमिलरिटी एंड Jaccard's coefficient. I think this is clear.
So now for the procedure, DNA, you have to isolate for the selected species, and then primer as a DECA oligonucleotide must be added, and then mixture is kept in the PCR equipment, subject to repeated cycle of DNA. Kitna cycle chalega? 45 minimum. Okay, you have to run at least minimum 45 cycles. So during this process, what is happening? DECA oligonucleotide will pair with the homologous sequence present at different location of the DNA. DNA replication extend the DECA oligonucleotide and copy the sequence continuous with the sequence with which selected oligo has paired. So ye procedure aapka DNA isolate karna padega. Then primer dekh rahe ho, primer DECA yani 10 greater than 10. Okay, then PCR run 45 more than, and then this time homologous sequence finding is done by the primer, that is DECA oligonucleotide. A different location in the DNA replication extend the DECA oligonucleotide and copy the sequence continuous with the sequence with which selected oligo has paired. Right, okay. And then repeated cycle of denaturation degeneration chalega, as you know, will amplify the sequence of DNA. Amplification will take place only of those region of genome that has the sequence complementary to the DECA oligonucleotide at their both ends. After several cycle of amplification, the DNA is subjected to gel electrophoresis. Amplified DNA will form a distinct band. It is detected by ethidium bromide staining and visible fluorescence under UV light. So I think this is clear. Any doubt is there? Bolo. So this is the flowchart. Isolation of DNA, keep the tube in PCR, oligo greater than 10 mars hoga. Okay, denaturation 94, one same hai PCR ki jaise, same cycle as PCR, but annealing temperature thoda sa different hota hai, ye note kar lo. Annealing temperature is low. यहाँ पे काफी लो होता, लो नहीं काफी लो होता, 36 तो होता ही नहीं पीसीआर का, है ना, वो 65 के आसपास होता है. ठीक है, एनीलिंग ऑफ प्राइमर है, ध्यान देना ये एनीलिंग ऑफ प्राइमर. फिर एनीलिंग ऑफ प्राइमर, दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर 36, देन प्राइमर एनीलिंग टू टेम्पलेट डीएनए, दिस इज द सेम टेम्परेचर एज पीसीआर, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज पीसीआर. ठीक है ना, 72-15 प्राइमर तो टेस्ट करेगा सेम टेम्परेचर पे, लेकिन प्राइमर को जब ऐड कर रहे हैं देन टेम्परेचर शुड बी वेरी वेरी लो. तो देखा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम भी डालते हैं, प्राइमर भी डालेंगे, टैग डीएनए पॉलीमरेज. तो ये पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमरेज होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर ऐड करते हैं, एंजाइम कौन सा होता है, डीका ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम. क्या करेगा ये बोलो, सिंथेसिस करेगा, एम्पलीफाइड रीजन को सिंथेसिस करेगा, राइट, कॉम्प्रोमाइज स्टैंड सिंथेसिस, 35-45 साइकिल मिनिमम होना चाहिए, एम्पलीफाइड प्रोडक्ट सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बैंड डिटेक्टेड बाय इथिडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग. व्हाट इज द एडवांटेज, नो नीड ऑफ प्रायर नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, लेवल ऑफ डिटेक्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म वेरी हाई, राइट, इन कंपेयर टू आरएफएलपी. आप एक बार लिंक ना उसको भेज दो, समझ ही नहीं आती कि प्राइमर एनीलिंग हो रही, चलो एनीलिंग ऑफ प्राइमर. सो हाँ, तो नो नीड, है ना, सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड लेवल ऑफ, दिस इज द वेरी सेंसिटिविटी पूछ सकते हैं, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक, ये नोट कर लो, मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक, राइट, and very less expensive, kharcha bhi kam hai, most sensitive and less expensive, and amount of DNA RFLP mein dekhoge bahut zyada required hoti hai, yahan pe bahut hi kam hai, small amount of DNA required, less scale. To yahan pe radio isotope wagera ka nahi use karna hai, kuch bhi nahi use karna, PCR use karo, primer use karo, oligonucleotide enzyme use karo, tag DNA polymerase use karo, annealing shuru mein thoda kam kar do, to usi time pe फिर एनीलिंग टेम्परेचर 72 कर दो, फिर आपको एम्पलीफाइड रीजन रिकॉग्नाइज हो जाता है कि किसको एम्पलीफाई करना है, राइट,
So only that portion will be amplified, which is annealed, which is going to be annealed, right? ठीक है, डिसएडवांटेज लैक ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आरएपीटी मार्कर और डोमिनेंट मार्कर्स, पीसीआर रिजल्ट आर वेरी सेंसिटिव टू एम्प्लीफिकेशन कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंटली वेरिएबल बिटवीन लेबोरेटरीज एंड इवन बिटवीन एसे. ओके, आरएपीटी मार्कर आर डोमिनेंट मार्कर, दिस इज यू मस्ट नोट डाउन, दे आर नॉट को डोमिनेंट. लाइक को डोमिनेंट मार्कर का एग्जाम्पल बताओ, कल पढ़ाया था ना. हाँ, नोट कर लो. विपांची, विपांची बेटर रिवाइज किया करो ना, अच्छे से याद रहे पॉइंट्स, डोंट मिस द पॉइंट्स. टीचर देखो वही बेस्ट होगा जिसकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, राइट? और टीचर ऐसा नहीं है कि मेमोरी स्पेशल होती है शार्प होने के लिए, यू हैव टू थिंक एंड थिंक अगेन एंड अगेन, रिवाइज इन टू द माइंड. आंखें बंद करो और रिवाइज करो, दिस इज कॉल्ड एज द शार्प मेमोरी. अगर आंखें खुली है एंड देन यू आर डूइंग ऑल द वर्क फॉरगेटिंग दिस वन, तो ये फिर याद नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी कब तक होती है, यू नो, 24 आवर्स तक. ये जो आप पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, जो भी चीज सुनोगे, दैट विल यू विल फॉरगेट विद इन 24 आवर्स. अगर इसको परमानेंट पार्ट मेमोरी में डालना है तो यू शुड गो फॉर रिविजन. इसीलिए जो क्रैमिंग टेक्निक है ना, छोटे बच्चों को कराई जाती है. क्यों? क्योंकि उनके परमानेंट पार्ट में चला जाए मेमोरी में, लाइफ टाइम में फिर बोलता नहीं है. आपको देखो, अगर मैं पूछूं कि 20 का टेबल बताओ तो आप फटाक से बता दोगे, यू नीड नो कैलकुलेशन. दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ क्रैमिंग अप टू 12th क्लास. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर 12th क्लास यू हैव टू थिंक एंड रिवाइज. ये टेक्निक चलती है, थिंक रिवाइज एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड दिस मेक्स यू सक्सेसफुल. ये नोट कर लो. ओके, व्हाट द लिमिटेशन, नियरली ऑल रैपिड मार्कर डोमिनेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वेदर डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड फ्रॉम लोकस, दैट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस. ओके, पीसीआर इज एंजाइमेटिक रिएक्शन, देयर बोथ क्वालिटी कंसंट्रेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, कंसंट्रेशन ऑफ पीसीआर कंपोनेंट एंड द पीसीआर साइक्लिंग कंडीशन मे ग्रेटली इन्फ्लुएंस द outcome. Mismatches between the primer and the template may result in total absence of PCR product as well as in the merely decreased amount of the product. Thus, rapid result can be difficult to interpret. Agar kahin mismatch ho gaya primer ka, hai na, then problem aayegi, kyunki zyadatar band absent ho jayenge. Okay, so then you can get the wrong results. To aapko PCR run karane mein thoda sa dhyan rakhna hai. Okay, तो एक्चुअल में आपको बताया भी था पहले कि डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब अगर होमोजाइगस कंडीशन में है देन आल्सो दे आर डोमिनेंट, हेटरोजाइगस कंडीशन में है देन आल्सो डोमिनेंट, ठीक है. को डोमिनेंट में क्या होगा, दोनों एक्सप्रेस होंगे, बट डोमिनेंट में क्या होता है, ओनली द डोमिनेंट विल एक्सप्रेस, रिसेसिव विल नॉट बी एक्सप्रेस. हाँ, ओनली वन एलील इज गोइंग टू शो देयर फैक्ट. दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना, क्यूटीएल एनालिसिस में क्यों आरएपीटी बेस्ड है, या फ्यूचर में जो ह्यूमन मैरिज में जेनेटिक आरएफएलपी से नहीं होगा, आरएपीटी से होगा, ये नोट कर लो. अभी मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई साइंटिस्ट को डिस्कवर कर देगा फ्यूचर में. आइडिया जो मिला नया है उसको नोट कर लो, आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपना काम करके, अपना पेटेंट करके वो टेक्नोलॉजी कर सकते हो. हाँ, राइट, यस, मार्कर नहीं, हाँ डीएनए मार्कर बोल सकते हो, जैसे आपका ये है एसएसआर हो गया और एक और था ना एसएनपी हो गया, है ना, तो ये सारे मार्कर हैं, डीएनए मार्कर को बोलते हैं, बट इनमें वेरिएशन होती है ना. दीज मार्कर आर प्रेजेंट बट दे हैव द वेरिएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशन, म्यूटेशन की वजह से हो गया, किसी भी वजह से हो गया, यू कैन सी द मेनी डिफरेंसेस फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर. आरएपीटी मार्कर तो डिपेंड कर रहा है ना कि एम्पलीफाइड रीजन पे, ये आर्टिफिशियल मार्कर बनाया है ना पीसीआर बेस, नहीं समझे,
ये नेचुरल मार्कर नहीं है, या ये एसएनपी को नहीं डिटेक्ट कर रहा है, या ये एसएसआर को नहीं डिटेक्ट कर रहा है, ये हमने स्पेशल प्राइमर डाला है जो कि रीजन को सेलेक्टिवली एम्पलीफाई कर रहा है, जो गुड करेक्टर है सिर्फ उन्हीं को कर रहा है। तो वो कब कर रहा है वो कंडीशन हमने बता दिया, कब कब करेगा एम्पलीफाइड। हाँ आरएपीटी आर्टिफिशियल है लेकिन बेस्ट है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आरएफएलपी नेचुरल है, हाँ आरएफएलपी नेचुरल है, ईएफएल हाँ आरएफएलपी नेचुरल है, आरएफएलपी में हाँ तभी तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब क्यूटीएल एनालिसिस करके प्लांट को बेस्ट प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो व्हाई नॉट अप्लाइड ऑन द ह्यूमन। आज देखो कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में उन्हीं की डेथ हुई जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, है ना। आप देख लो जैसे जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी जेनेटिकली एंड बिहेवियर वे में, जिन्होंने जो पॉजिटिव थे, जो स्ट्रांग थिंकिंग वाले हैं, जो मोटिवेटेड है ना, जो पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी की बातों में नहीं आते, किसी की जहरीले जहरीले घूम रहे लोगों की बातों में नहीं आते, उनकी बातों को नहीं सुनते, है ना। 90% लोग तो जहरीले हैं इंडियन में, अगर इंडियन सोसाइटी की बिल्टअप आप देखो 200 साल से, है ना 2000 साल से, तो भारत कहां तक था, अखंड भारत था, अफगानिस्तान तक था, इतना बड़ा देश था हमारा, ठीक ना। लेकिन लोगों के जो ईगो है, जो जहरीले दिमाग में जो जहर चलता है लोगों के, उसकी वजह से लोग टूटते गए, है ना। बहुत कम इंडियन फैमिली है जो यूनाइटेड है, सारी टूट रही है। तो ये जहर कहां से आ रहा है, तो जहर कहीं से भी आ रहा है, बट वही लोग जिंदा हुए कोरोना में जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जो पॉजिटिव थे, जो हर चीजों को, अच्छी चीजों को नेचर से ग्रहण कर रहे थे। अब टीवी में दोनों आती है, ये बाबा रामदेव का योगा भी आता है और जहरीले न्यूज भी आते हैं एनडीटीवी के, तो हमने नहीं सिलेक्ट करना है उस तरह की चीजों को, है ना। तो चॉइस तो हमारी होनी चाहिए, अगर हम आम आदमी की तरह सोचेंगे तो साइंटिस्ट किस बात के, बताओ है कि नहीं। अब सब आदमी मान लो कह रहा है कि ये चीज सही है, तो लेकिन हमें नहीं लग रहा है वो सही है, तो हम नहीं बोलेंगे चाहे जो भी हो जाए, हमें जो सही लग रहा है। आरएपीटी का, आरएपीटी का यूज पूछ रहे हो ना। देखो मार्कर का कई जगह यूज होता है, जैसे अब आप आरएफएलपी की ले लो, ये बैंड देख रहे हो आरएफएलपी का। अब इससे क्या है कि नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई ये जो स्पेसिफिक रिपीटेड सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं एसएनपी, एसएनपी को आपको बताया था कि दिस इज वेरी कॉमन मार्कर, है ना, नेचुरल मार्कर। एसएनपी सब में होता है, सारे ह्यूमन में होगा, बट लेंथ उनकी डिफरेंस होती है। तो अगर मान लो क्लोज रिलेशनशिप पता करना है ना, बिटवीन द स्पीसीज ए स्पीसीज बी, तो आपको ये जाना पड़ेगा आरएफएलपी, ना कि अभी जो पढ़ाया एएफएलपी आरएपीडी, वहां जाने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। वहां तो ट्रेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना आप, समझो आरएपीडी में क्या कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग द ट्रेट, यहां ट्रेट थोड़ी आइडेंटिफाई, यहां तो मैच करा रहे हैं ना स्पीसीज टू स्पीसीज। मान लो 200 साल पहले आपको कोई जीवाश्म मिल गया, फॉसिल मिल गया, उसका डीएनए भी मिल गया आपको, तो करंट ह्यूमन बीइंग से आप कर सकते हो कि ये किसके क्लोज था, किस ह्यूमन बीइंग के, मंकी के था या लंगूर के था या कैट के था, किस तरह का था, तो तब आरएफएलपी रन कराओगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास 100 गेहूं की वैरायटी है और मैंने कहा कि आफरीन इसमें से जो बेस्ट हो वही आप अपने फील्ड में यूज करो, तो आप कलर और साइज देख के थोड़ी ना आप उनको अपने फील्ड में ग्रो कराओगे, देन यू हैव टू गो फॉर द, न तो आरएफएलपी करोगे, आपको आरएपीडी में जाना पड़ेगा। आरएपीडी में क्या होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने बताया वन बैंड इज इक्वल टू वन लोसी, स्कोरिंग करके अब आप क्वालिटी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सारा आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। डिफरेंस तो आई है, आपके यूज के हिसाब से करना है आपको। हाँ सीक्वेंस बिल्कुल नहीं मालूम है, वो तो एम्पलीफाइड बैंड देख रहे हैं ना,
हाँ रेस्ट्रिक्शन साइट बेस होता है ना, रेस्ट्रिक्शन साइट बेस। ठीक राइट, दिस इज AFLP। AFLP के बारे में थोड़ा पढ़ लें तो दिस इज द डिफरेंस। देखो आप खाली डिफरेंस देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। सीधा डिफरेंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं AFLP में, नेम इज एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म है बिकॉज ऑफ एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे देखो टोटल जीनोमिक डीएनए एंड एयरवे लिकेट टू डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर साइड, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कंप्लीट डबल डाइजेशन एडाप्टर लाइगेशन राइट, देन प्री एम्पलीफिकेशन सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन एंड जेन जेल इलेक्ट्रो फोर्सिस। ओके तो दिस इज द इंडिकेशन एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमर। इसको डिटेल बताता हूँ तो इसको समझ में आएगा। हाँ ये डायग्राम देखो, RFLP बेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसका नाम है। मतलब AFLP को क्या कह सकते हैं, दिस इज द मॉडिफाइड RFLP। अब तुम्हें क्लियर समझ में आएगा। हमने RFLP में क्या किया था, कोई PCR यूज नहीं किया था, ठीक है ना। यहाँ PCR यूज करते हैं कि नहीं ये बताओ। हाँ यहाँ पे PCR करेंगे। तो RFLP का मॉडर्न वर्जन है, दिस इज मॉडर्न वर्जन ऑफ RFLP एंड प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट द सेम। डाइजेस्टेड डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, थोड़ा सेपरेट कर लिया इनको, हाइब्रिडाइज किया, रिमूव बैकग्राउंड, फिर एक्स यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम ले रहे थे। अब क्या होता है, अब यहाँ PCR से एम्पलीफाई कर लेते हैं उस बैंड को बिफोर द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो दिस इज द, अब देखो AFLP फिंगरप्रिंट ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन डीएनए। सो ईच पैनल शो थ्री इको आर MSC फिंगरप्रिंट यूजिंग थ्री डिफरेंट प्राइमर कॉम्बिनेशन। ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंट आर डिस्प्लेड इन पैनल फोर, प्लांट फिंगरप्रिंट डिफरेंट पैनल वन, है ना। टोमेटो में सबका हमने देखो कॉम्बिनेशन किया, प्राइमरी कॉम्बिनेशन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज वेरी टीडियस ना, डाइजेशन लाइगेशन एंड पीसीआर, डाइजेशन लाइगेशन एंड पीसीआर याद कर लो। AFLP एक सबसे बड़ा क्या रूल है, थंब रूल, DLP डाइजेशन लाइगेशन पीसीआर। मार्कर कैसा है, डोमिनेंट मार्कर, डोमिनेंट मार्कर, ठीक है। फिंगरप्रिंट की जो बैंड आती है वो कितने न्यूक्लियोटाइड की होती है, 45 to 500 न्यूक्लियोटाइड की। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू RFLP, याद रखियो कि PCR बेस्ड RFLP कह सकते हैं इसका नाम, PCR बेस्ड RFLP, PCR बेस्ड RFLP, ओके PCR बेस्ड RFLP। ठीक है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AFLP, मल्टीपल पॉलीमॉर्फिक रिस्ट्रिक्शन साइट कैन बी स्क्रीन इन वन गो, बैंड आर स्कोर्ड फॉर एब्सेंस आर, यहां भी स्कोरिंग होती है। यूनिक इंडिविजुअल प्रोफाइल में भी डेवलप्ड दिस वे एंड हेल्प इन द अनएम्बिगुअस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम सस्पेक्ट और सटल फ्रेटरनिटी डिस्प्यूट। इसको भी RFLP की तरह यूज कर सकते हो, जो पूछ रही थी तुम आफरीन, है ना, कि कहाँ यूज करते हैं। तो RFLP AFLP सेम ही है, डिफरेंट क्या है, RAPD यहाँ पे DLP कर रहे हैं, DLP मतलब डाइजेशन लाइगेशन PCR AFLP में, ठीक है, वहां पे नहीं है। RFLP में ये सारा नहीं है, डाइजेशन करेंगे देन इलेक्ट्रोफोर्सिस सीधे, बात समझ रहे हो। तो डिसएडवांटेज भी यही है, दिस इज स्टिल यूजिंग द थ्री स्टेप प्रोसेस, डाइजेशन लाइगेशन PCR बैंड फ्रॉम डिफरेंट रीजन में कॉमिग्रेट टू द सेम डिस्टेंस बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज कंफाउंडिंग द एनालिसिस।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफएलपी आरएफएलपी, यही पूछना चाह रहे थे ना आफरीन के माइंड में यही चल रहा है, मैं करेक्ट हूं कि नहीं आफरीन बताओ। हाँ यही डिफरेंस तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस। एफएलपी इन्वॉल्व सेलेक्टिव पीसीआर एम्पलीफिकेशन और डाइजेस्टेड डीएनए, आरएफएलपी डज नॉट इन्वॉल्व एनी पीसीआर, पहला चीज। सेकेंड, प्रायर सिक्वेंस नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एफएलपी, यहाँ पे सिक्वेंसिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आरएफएलपी प्रोब फिर बना ही नहीं पाओगे। रिलायबिलिटी, आरएफएलपी इज नॉट रिलायबल, आप देख लिया तुमने, आरएफएलपी इज नॉट रिलायबल, एफएलपी इज मोर रिलायबल, ठीक है ना। तो अगर अभी देखो सीसीएमबी में अभी भी क्या करते हैं, क्राइम या जो भी प्रॉब्लम होती है वो किससे डिटेक्ट कर रहे हैं, आरएफएलपी से। सबसे हैरानी की बात ये है, ठीक है, जबकि इतने रिलायबल भी नहीं है, जबकि एफएलपी की यूज करना चाहिए। तो अभी भी हमारा देश के साइंटिस्ट भी बड़े पिछड़े मानसिकता के हैं, वो अपडेट नहीं करते जल्दी। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी ये है कि जो यंग बच्चे थोड़ा ट्रेनिंग ले लेंगे, पीएचडी कर लेंगे जल्दी से, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अपडेट एंड टेक द स्पीड। क्योंकि आज आज की डेट में क्या है, जब पेटेंट है, प्रॉपर्टी राइट है ना ब्रेन का, तो जो अगर आप यूनिक हो तो वही नॉट टू टेक एडवांटेज। कुछ भी आइडिया सोचो, अभी तो आइडिया का भी पेटेंट हो रहा है। तो आफरीन आफरीन, मैं तो सोच रहा हूँ ये आइडिया भी पेटेंट कर ही लेते हैं, है ना। यूज यूज ऑफ आरएपीडी एज ए ह्यूमन क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसी पॉजिटिव जीन को, है ना। आइडिया पेटेंट होता तुम्हें पता कि नहीं। हाँ यस यस, हाँ शनिवार को एक और बहुत बढ़िया हो रहा है, उसमें सरिता शर्मा, मैंने शेयर किया था पीडीएफ, उसको जरूर ज्वाइन करना, मैं भी ज्वाइन करूंगा। हाँ शनिवार को, ठीक है ना। हाँ बहुत जरूरी है, उसमें देखो मेरे ही लैब के लोग हैं इसमें सारे, जैसे बतुला किरण जो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी मेरी लैब का, अमेरिका रिटर्न है, वो भी तुम्हें हेल्प कर सकता है अगर अब्रॉड वगैरह जाना होगा। सरिता शर्मा ल्यूपिन में है, आरएनडी साइंटिस्ट, अगर तुम पीएचडी कर लोगी तो वो जॉब में तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है ना, क्योंकि वही हेड है, उसी को अप्लाई करना होता है। तो तुम्हें लिंक बढ़ाने हैं, कहने मतलब जब लिंक बढ़ा के पीएचडी करना है, खूब नॉलेज गेन करना है, अपॉर्चुनिटी जॉब की खूब आएगी, पैसा ही पैसा होगा, डोंट वरी कि खाली नीट के पैसा, नीट से ही पैसा आएगा। देयर आर मच प्रॉस्पेक्ट्स इन द साइंटिफिक फील्ड, और 1000 टाइम है नीट का, तो चल जाए तो बेस्ट है कि 2000 बच्चे अगर एक साथ फीस दें भाई, तो वो अमाउंट और एक साइंटिस्ट के अमाउंट से बहुत ज्यादा है, बट फिर भी साइंटिस्ट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, एनालिसिस करना, नई चीजें डिस्कवर करना। तो तुम मुझे याद दिला देना, ये ना पेटेंट करेंगे इस पे, थोड़ा सा रिसर्च पेपर इकट्ठा करना पड़ेगा कि किसी ने इस पे काम किया है कि नहीं, अगर तो काम हो चुका है ना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेटेंट कराएंगे, और काम नहीं हुआ है तो आइडिया पेटेंट करा लेंगे। आइडिया पेटेंट करने का फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में जो भी साइंटिस्ट काम करेगा, है ना, तो वो हमसे पूछ के करेगा हाँ, उसका पेमेंट देना होगा तो पेमेंट भी देगा हाँ। हमारे एक टीचर है प्रदीप मिश्रा सर, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया खोजा था एक कूड़े का कबाड़ से, ठीक है। अब उसको इतना एम्पलीफाई किया, उसकी उसके फीचर उतने नहीं थे, खूब एम्पलीफाई किया, ये है वो है, 15 लाख में बेचा उस बैक्टीरिया को एक इंडस्ट्री को, ठीक है। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी डिटेक्टिंग पॉलीमॉर्फिज्म, लेस एफिशिएंट कंपेयर टू एफएलपी, हायर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू आरएफएलपी, कॉस्ट वेरी लेस एक्सपेंसिव। अभी देखो ये साइंटिस्ट सीसीएमबी में अभी भी नहीं यूज कर रहा है, मुझे यही हैरानी है कि क्यों नहीं यूज कर रहा है। एफएलपी हैव बीन अप्लाइड टू जीनोम मैपिंग, ये नोट कर लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडीज, पैटर्निटी टेस्टिंग, नोट कर लो बेटा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएफएलपी एलपी का एक ही यूज है, जीनोम मैपिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी, पैटर्निटी टेस्टिंग एंड फोरेंसिक्स। फोरेंसिक में सबसे ज्यादा एफएलपी का यूज होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इंडिया छोड़,
इंडिया में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, पता नहीं क्या। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खाली डीआरडीओ पे ध्यान दे रही है, अब डीआरडीओ वाले बायोलॉजी में भी खोज करने लगे हैं। देखो पहले वो बम मिसाइल बनाते थे, तो खैर ब्रेन का होता है इंपॉर्टेंट। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, डिलीशन टेक्निक, जीन नॉकआउट, बैक्टीरियल, हाँ ठीक है, कल हम लोग ये पढ़ेंगे। आज आप प्लीज नोट कर लो, हाँ ये दे सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से चीजें हैं जो एफएल पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए यूज। क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। ना 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 ना, वो रिपीटेड सीक्वेंस है, रिपीटेड सीक्वेंस है, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, रिपीटेड सीक्वेंस में डिफरेंस है, एस एन पी बोल देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एस एस आर है तो शॉर्ट रिपीट्स हैं, माइक्रो सेटेलाइट्स हैं तो थोड़ा सा बड़े हैं, मिनी सेटेलाइट्स हैं है ना तो थोड़ा और बड़े हैं। तो ये सारे रिपीटेड सीक्वेंस हैं, जंक डीएनए, मतलब ये कोड नहीं करते कुछ, लेकिन इनके प्रेजेंस से हाँ मार्कर का काम यही होता है ना कि वो यूनिक है, दे आर यूनिक एंड कॉमनली प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन में एस एन पी है दूसरे में नहीं है, कॉमन है। तो एस एन पी में अगर डिफरेंस आया तो यू कैन डिटेक्ट। अगर मान लो जैसे कोरोना का ट्रायल चल रहा है, मान लो आपने एक ड्रग डेवलप किया, उसको टेस्ट करना है ना, तो आपने देखा अभी अभी एक प्रॉब्लम देखा कि कोरोना को वैक्सीन लेने पे कुछ लोगों की डेथ हो जा रही है, कुछ लोगों की डेथ नहीं हो रही है, देखा आपने। तो ये एस एन पी में डिफरेंस से आपको पता लग जाएगा कि क्यों हो रही है। तो इतना टाइम किसके पास है ना, तो इतना हिंदुस्तान गवर्नमेंट बायोलॉजी पे रिसर्च पे। मैंने मोदी को ट्वीट किया था ठीक है ना, कि आप पहले दो साल में सीएसआर होता था, एक साल में दो बार, अभी एक साल में हो रहा है, वो भी कोई डेट नहीं अनाउंस।